हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निवेदिता। जब दो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती हैं तो काफी आम सी बात मानी जाती है, लेकिन अगर एक ही कंटेंट की फिल्में साथ में रिलीज हो तो बवाल होना लाजमी है। ये तो हर कोई जानता ही है कि बधाई हो ड्रीम गर्ल जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला और सोनू के टीटू की स्वीटी फेम सनी सिंह की फिल्म उजड़ा चमन को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि दोनों फिल्में एक ही विषय पर आधारित हैं और एक साथ रिलीज हो रही हैं। इस वजह से इन दोनों फिल्मों के मेकर्स में लगातार गर्मा गर्मी बनी हुई है। हाल ही में उजड़ा चमन के डायरेक्टर ने बाला के मेकर्स को खरी खोटी सुनाई और कहा है कि आयुष्मान खुराना के होते हुए भी वो हमारी फिल्म से डर गए हैं। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान उजड़ा चमन के डायरेक्टर ने कहा, बाला के मेकर्स अपनी फिल्म को हमारी फिल्म से पहले रिलीज करके गलत कर रहे हैं। क्या वो हमारी फिल्म से डर रहे हैं? उनकी फिल्म में तो आयुष्मान खुराना जैसा सुपरस्टार है। ऐसा लगता है कि इतने बड़े स्टार के बावजूद भी बाला के मेकर्स को बाला पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया है। वैसे आपको बता दें कि हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि उजड़ा चमन के मेकर्स बाला के मेकर्स को लीगल नोटिस भेजने की तैयारी में है। उनका कहना था कि बाला की कई बातें उजड़ा चमन से मिलती जुलती हैं। इतना ही नहीं, फिल्म के पोस्टर्स भी लगभग सेम हैं, जिसमें हीरो के सिर पर पानी डाला जा रहा है। वैसे आपको बता दें, जहां एक तरफ फिल्म उजड़ा चमन साल 2017 में आई कन्नड़ फिल्म ओंडू मोटिया का ऑफिशियल रीमेक है जो कि 8 नवंबर को रिलीज होगी, वहीं दूसरी तरफ आयुष्मान खुराना की बाला उसे ठीक एक दिन पहले यानी कि 7 नवंबर को रिलीज होगी। मतलब देखना यह होगा कि उजड़ा चमन के मेकर्स के इस कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पर अब बाला के मेकर्स क्या जवाब देते हैं। वैसे आप इन दोनों फिल्मों में से किसे देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।